हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहारी स्टाइल आलू चोखा की रेसिपी। ये चोखा खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप सब्जी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। बिहारी स्टाइल आलू का चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनका हमने छिलका उतार दिया हुआ है। आलू को हम एक बड़े बाउल में डालेंगे और एक फॉर्क की हेल्प से हम इन्हें मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं या हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस तरह से आलू को अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक चॉप करके डाला हुआ है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है कच्चा सरसों का तेल। तो इसमें मैंने 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाला हुआ है। काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें आमचूर का पाउडर डालेंगे, जिससे कि इसमें अच्छी सी खटास आएगी। आप आमचूर पाउडर की जगह नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम स्पून से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चोखा तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बट हम इसमें लगाएंगे एक बिहारी तड़का। यहाँ पर हमने 1 चम्मच सरसों का तेल गरम किया हुआ है। इसमें हम 1/2 चम्मच राई और 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाला हुआ है और इसे अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि ये मिर्च जो थोड़ी सी जली जली ना हो जाए। ये देखिए, ये हमारा तड़का तैयार है। इसे हम चोखे में डाल देंगे। इस तड़के से इस चोखे का जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी बिहारी स्टाइल आलू का चोखा बनके तैयार है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो जब भी कभी आपको कुछ सिंपल खाने का मन हो या सब्जी खाने का न मन हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। या आप इसे दाल के साथ साइड डिश के रूप में भी बना सकते हैं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।